झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने दोपहर करीब 3 बजे मीडिया को बुलाया है, लेकिन यह नहीं बताया कि किन राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभाओं का कार्यक्रम क्रमशः 3 नवंबर और 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग का जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराने का प्लान है। यह समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। आयोग ने चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था, लेकिन उसने महाराष्ट्र का दौरा अभी तक नहीं किया है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है, ऐसे में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव करवाया जा सकता है। वहीं पिछली 3 बार से महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान साथ करवाए गए हैं। हालांकि इस बार उम्मीद है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव अलग अलग आयोग करवा सकता है। ऐसी संभावना है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव साथ में करवाया जा सकता है। बता दें कि आखिरी बार जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव आयोग ने करवाया था, तब 5 चरणों में मतदान हुए थे। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हो चुकी हैं। खबरों की माने तो इस बार भी 5 चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर चुनौतियां बहुत ज्यादा है। इन चुनौतियों में प्रत्याशियों की सुरक्षा अहम है। जोहार साथियों, प्रेमचंद महतो इंटर कॉलेज मेसरा की ओर से देशवासियों और झारखंड वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आशा करता हूं कि हमारे देश और देशवासी आने वाले समय में और तरक्की करें और हमारा देश विश्व पटल पर अपनी अद्वितीय पहचान बनाए। धन्यवाद। This is our 78th Independence Day that we are celebrating, and what the thing is we have to do is we have to create a moral for this Independence Day. Just we don't celebrate it like dancing and singing a song, but also following all the rules and regulations regarding to our country. अगस्त के उपलक्ष्य में हॉकी झारखंड के पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।